हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरजीत वर्ल्ड। मेरा नाम है हरजीत और आज मैं बात करने वाली हूँ कतर एयरवेज के बारे में, कतर एयरवेज की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। और आप में से बहुत से लोगों को एक ईमेल आया है कतर एयरवेज से, जिसको लेकर आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं आज उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है हरजीत ड्रीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ईमेल आया है वो आपको अगस्त मंथ में जो आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था ये उसका रिप्लाई है। आपने वो ईमेल देखा है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब अगस्त में वैकेंसी ओपन हुई थी तब उन्होंने लिखा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द पोजिशन ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था उनको ये रिप्लाई आया है, उनको ये ईमेल आया है। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं वो ईमेल पढ़ देती हूँ आपके लिए। आफ्टर केयरफुल रिव्यू वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द कस्टमर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2021 विल नाउ बी क्लोज्ड। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू हाउएवर दैट कतर एयरवेज इज ऑर्गेनाइजिंग रिक्रूटमेंट इवेंट्स इन अ नंबर ऑफ सिटीज। You are welcome to apply for the cabin crew recruitment event that is closest to your city of residence. तो इस ईमेल का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो अप्लाई किया था 2021 अगस्त में, ये उसका रिजल्ट है कि वो वैकेंसी अब क्लोज हो चुकी है, उसका जिन लोगों को सिलेक्ट करना था उन्होंने कर लिया है और अब वैकेंसी क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया कि और भी वैकेंसीज अभी भी ओपन है डिफरेंट सिटीज में, तो आप उनके लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट इवेंट्स दैट इज क्लोजेस्ट टू योर सिटी ऑफ रेजिडेंस। तो आपकी सिटी के पास या उस सिटी में, जैसे कि अभी वैकेंसीज ओपन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर एंड चेन्नई, तो इन सिटीज में अभी भी वैकेंसी ओपन है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फॉलोइंग, सम ऑफ दीज इवेंट्स आर ओपन डे बाय इनविटेशन ओनली एंड एन इंटरव्यू इज नॉट गारंटीड। तो इसका ये मतलब है कि जो 5 सिटीज मैंने अभी आपको बताई, आप उनके लिए जा सकते हैं लेकिन इन्विटेशन पर ही जा सकते हैं और वहां पर ओपन डे होगा, और वो ओपन डे वही लोग अटेंड कर सकते हैं जिनको इन्विटेशन आएगा। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है, शुड यू चूज टू अटेंड दीज इवेंट्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एंड ऑल कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम योर ट्रैवल टू दीज इवेंट्स। इस लाइन को लेकर भी बहुत सारे लोगों के पास डाउट्स हैं कि उन्हें पे करना पड़ेगा, तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, मीन्स आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, अगर आपने दिल्ली के लिए फॉर्म फिलअप किया है और अगर आपको दिल्ली जाना है या फिर मुंबई या फिर कैलकाटा, जहां के लिए भी आपने फिलअप किया है, और यहाँ हो सकता है कि आपने किसी और सिटी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वहां जाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपको खुद से अपनी कॉस्ट पर जाना है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने दिल्ली के लिए अप्लाई किया है लेकिन आप चंडीगढ़ में रहते हैं या फिर आप सहारनपुर में रहते हैं या फिर कहीं और सिटी में रहते हैं, वहां से थोड़ा दूर, दिल्ली से थोड़ा दूर, और अगर आपको उन्होंने इन्वाइट किया है तो वहां के लिए आप ट्रैवल करके जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट वो कंपनी नहीं पे करेगी, आपको अपनी कॉस्ट पर जाना होगा। सेम गोज फॉर कैलकाटा, मुंबई, या आप जिस भी आसपास सिटी में रहते हैं और आपने अगर मुंबई या फिर कोलकाता के लिए अप्लाई किया है लेकिन आप किसी आसपास की सिटी में रहते हैं, तो अगर वहां से आपको ट्रैवल करके आना होगा ओपन डे के लिए, जब वो आपको इनविटेशन भेजेंगे, तो उस चीज के लिए, उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो आपको पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने जो मेंशन किया है वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोविड अगर वहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो कहना चाहते हैं, इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो चीज आप इग्नोर कर सकते हैं इस ईमेल में। और बाकी उन्होंने नेक्स्ट लास्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई चेंजेस होते हैं, अगर जैसे उन्होंने कोई डेट बताई और उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो वो आपको एडवांस में बता देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहते हैं कि इट्स एन ऑटोमेटेड ईमेल, तो आप इस पर रिप्लाई ना करें। और अभी भी वैकेंसीज ओपन है कतर एयरवेज की, इन सारी सिटीज के लिए अभी भी वैकेंसी ओपन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, तो आप इनमें से किसी भी लोकेशन को, जहां जो भी आपकी क्लोजेस्ट लोकेशन है, तो उसके लिए आप फॉर्म अभी भी फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट
क्लोजिंग डेट है 20th of November, तो उससे पहले पहले आप ये एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये ईमेल आया है वो लोग भी फिलअप कर सकते हैं, तो आप प्लीज कंफ्यूज ना होए, ये उन्होंने ऑलरेडी इन्होंने रिजल्ट दे दिया है, तो अभी भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन लोकेशंस के लिए अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।